हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए एक सिंगल कलर का डिज़ाइन लेकर आए हैं और ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। लेडी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बच्चे के स्वेटर, कार्डिगन, कोटी, कैप में भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बट स्पेशली ये जो डिज़ाइन है ये जेंट्स स्वेटर में ज़्यादा अच्छी लगेगी। छोटी डिज़ाइन जेंट्स स्वेटर के लिए हम ढूंढते हैं ज़्यादातर, तो ये वही छोटी डिज़ाइन है जो आपको जेंट्स स्वेटर के लिए चाहिए होती है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 के मल्टीपल से फंदे लेने होते हैं, प्लस आपने 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4। और हमारी जो डिज़ाइन है ये टोटल 4 रॉज में, टोटल 4 सिलाइयों में बनकर कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम बनाएंगे फर्स्ट रॉ 1 राइट साइड पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम धागा पीछे करेंगे और अब देखिए 1 2 3, ये जो 3 फंदे आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से स्टार्टिंग के 2 फंदों में हमने केबल बनानी है। तो हम अब की बार देखिए लेफ्ट से राइट ट्विस्ट करेंगे, यानी कि पहले फंदे को छोड़ के दूसरे फंदे में सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और देखिए सिलाई से दोनों फंदे उतार के पीछे की तरफ से इसको सिलाई पर चढ़ाएँगे और ये आगे की तरफ से ऐसे। और अब 2 फंदे ये, 1 फंदा ये, इन तीनों फंदों में देखिए हम सिलाई डालेंगे इस तरह से। और आपने 3 फंदों का 1 फंदा करना है ऐसे। फिर एक बार आपने सिलाई पर धागा लपेटना है, 2 फंदे हमारे हो जाएंगे और फिर से हम बुनेंगे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने 3 फंदों का 3 फंदा करना है। यहाँ पर हमारा 3 फंदों का 3 फंदा हो चुका है। अब देखिए स्टार्टिंग का 1 फंदा छोड़ के, एसटी छोड़ के, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक यहीं 5 फंदे आपने रिपीट करने हैं। पहले तो 2 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, फिर 2 फंदों को आपने लेफ्ट से राइट ट्विस्ट करना है और फिर 3 फंदे साथ में लेकर 3 का 3 करेंगे। यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2 इस तरह से 2 फंदे उल्टे। और यहाँ पर मैं बता दूँ, शुरू में बताया नहीं बताया, मैंने यहाँ पर 19 फंदे लिए हैं डिज़ाइन को बनाने के लिए। 5 के मल्टीपल से 15 प्लस 4 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। 2 फंदे उल्टे हो गए, अब धागा पीछे करेंगे। अब फिर से जो ये 2 फंदे दिख रहे हैं स्टार्टिंग के, इनको हम लेफ्ट से राइट ट्विस्ट करेंगे, केबल बनाएंगे। तो दूसरे फंदे में सामने की तरफ सिलाई डाल लेंगे और देखिए दोनों फंदे सिलाई से उतार के ये पीछे की तरफ सिलाई चढ़ाएंगे और ये सामने की तरफ से। और अब इन तीनों फंदों में देखिए इस तरह सिलाई डालेंगे। यहाँ पर हमने 3 फंदों का 3 फंदा करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 फंदा हो गया हमारा, सिलाई पर धागा लपेट लेंगे, 2 फंदा हो जाएगा, फिर से बुनेंगे इस तरह से। तो हमारा ये 3 फंदा हो जाएगा, 3 का 3 फंदा हो गया है। देखिए 1 2 3, अब ये 3 फंदे सिलाई से उतार देंगे इस तरह से। फिर से रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, अब धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदों में केबल बनाएंगे। तो दूसरे फंदे में सामने की तरफ सिलाई डालेंगे, दोनों फंदे सिलाई से उतार के ये वाला पीछे की तरफ सिलाई चढ़ाएंगे और ये वाला सामने की तरफ से सिलाई पर चढ़ाएंगे। और अब इन 2 फंदे ये, 1 फंदा ये, 3 फंदा, इन तीनों फंदों में हम एक साथ सिलाई डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और यहाँ पर हम 3 फंदों का 3 फंदा करेंगे। सॉरी, देखिए 1 हो गया, सिलाई पर धागा लपेटेंगे, 2 और फिर से बुन लेंगे एक बार इस तरह से, 3 का 3 हो गया। अब ये 3 फंदे सिलाई से उतार देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमारी 3 डिज़ाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 इस तरह से, धागा पीछे करेंगे, एस्टिच हमारा सीधा बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट रॉ राइट साइड से कंप्लीट हुई। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पर और अब हम बनाएंगे सेकेंड रॉ। तो पहला फंदा हमारा एस्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो 3 फंदे हमने 3 का 3 किया था, इन 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, एस्टिच छोड़ के यही 5 फंदे रिपीट करने हैं।
दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे। फिर से धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी तीन डिजाइन कंप्लीट हुई, लास्ट में तीन फंदे बचे हैं। तो यहाँ पर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, अब देखिए तीन फंदे बचे हैं तो इनमें से हम दो फंदा जो है सीधा बना लेंगे, एक दो। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, रॉन्ग साइड से स्टिच हम उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सेकेंड रॉ कंप्लीट हुई। अब आ जाते हैं राइट साइड पर और अब हम बनाएंगे थर्ड रॉ, तीसरी सिलाई राइट साइड से। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ये हमारा स्टिच है। इसके बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब देखिए स्टिच छोड़ के हमने यही पांच फंदे रिपीट करते जाना है, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। यहाँ पर हमारी तीन डिजाइन कंप्लीट हुई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो, धागा पीछे करेंगे, लास्ट का स्टिच हमारा सीधा आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी थर्ड रॉ तीसरी सिलाई कंप्लीट हुई। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पे और हम बनाएंगे फोर्थ रॉ, चौथी सिलाई रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ करेंगे, अभी देखिए तीन फंदे उल्टे, यानी कि आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है आपने वैसे ही यहाँ पर बुन लेना है। अब देखिए एसटी छोड़ के हमने यही पांच फंदे रिपीट करने हैं, दो फंदे सीधे बनाएंगे, तीन फंदे उल्टे, फिर से रिपीट करेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी तीन डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट में तीन फंदे बचेंगे। तो इनमें से दो फंदे हमारे डिजाइन को सेट करने के काम आएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हमारा स्टिच बनेगा, रॉन्ग साइड से स्टिच हम उल्टा बुन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारा पैटर्न ओवर हो जाता है। जब हम इन्हीं चार सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से बन करके आएगा। देखिए, तो इसे आप जेंट्स स्वेटर में बनाइए, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। वैसे तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, बट स्पेशली जेंट्स स्वेटर में ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो उसे फटाफट से लाइक कर दें। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।